नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 भारतवर्ष। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कलम बंद की हड़ताल। विभाग के सभी कर्मचारी हड़ताल पर। जनपद की मौसम खराब होने से विद्युत व्यवस्था हुई बंद। 125 केवीए में मौसम खराबी से विद्युत व्यवस्था चरमराई। 72 घंटे के लिए विद्युत कर्मचारियों ने कार्य का किया बहिष्कार। विद्युत अधिकारियों ने पुलिस बल व लेखपाल को सौंपा विद्युत संचालन का कार्य। 72 घंटे तक लेखपाल व पुलिस देखेगी विद्युत व्यवस्थाएं। जनपद के कई फीडरों की बिजली गुल होने से लोग परेशान। फर्रुखाबाद के विद्युत सब स्टेशन भोलेपुर का है पूरा मामला। 3 दिन की हड़ताल के बाद आप 72 घंटे के लिए फिर नहीं आप जा रहे गए, क्या है पूरा? हम लोग 3 दिन से हड़ताल नहीं है। हम लोगों का 15 तारीख से कार बहिष्कार चल रहा था और 16 तारीख के रात 10 बजे तक कार बहिष्कार चला। अब हम लोगों का केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 16 तारीख के रात 10 बजे से 72 घंटे का अनवरत हड़ताल चलेगा। इस समय जो नहीं लाइनें बंद हैं या चालू हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, हमारे फर्रुखाबाद की स्थिति यह है कि अधिकतर विद्युत केंद्रों की 33 केवी लाइन मौसम खराब होने की वजह से बंद हो गई है। फॉल्ट आ गया है, मेजर फॉल्ट है, जिस वजह से अभी चालू नहीं हो पाए। क्योंकि हम लोग 16 तारीख के रात 10 बजे से हड़ताल पर है। हमारा संविदा कर्मी जो SSO के रूप में पाली में कार्यरत था, वह भी हड़ताल में शामिल हो गया है। इसलिए जो है हम लोगों ने प्रशासन को जो वहाँ ड्यूटी करने आए लेखपाल पुलिस प्रशासन, उनको हैंड ओवर करवा दिया है अधिकतर। तो अब व्यवस्था उनके हाथ में है। हम लोग अपना जो है हड़ताल कार्यक्रम यहाँ कार्यालय अधीक्षक फर्रुखाबाद के प्रांगण में कर रहे हैं। 72 घंटे तक काम नहीं करेंगे जी?